सर नमस्कार, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं डॉक्टर जी एस अरगर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल, सी प्री बाजार, झांसी। अब जैसा कि सर्दी आने वाली है तो लोग बाग सर्दी में आँख बनवाते हैं, तो क्या सर्दी में ही बनवाना चाहिए कि कभी भी बनवा सकते हैं? आप सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि सर्दी आ रही है और सर्दियों में लोगों को पुरानी मान्यता है या पुरानी सोच है कि सर्दियों में आंखें अच्छी बनती हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों में आंखों में लेंस प्रत्यारोपण कराना उचित समझते हैं। पर ऐसा नहीं है, किसी भी मौसम में आप लेंस प्रत्यारोपण करा सकते हैं, मौसम से कोई खास अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग आजकल ज़्यादातर सर्दियों में कराना उचित समझते हैं। सर जैसा कि आपको अवार्ड भी मिल चुका है तो लगभग कितने हजार ऑपरेशन आप कर चुके हैं? देखो, मेरे पिछले 15 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें 32,500 ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण अभी तक हम कर चुके हैं, और उसमें बहुत सारे क्या कम से कम 50% हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुके हैं। कैंप के माध्यम से गांव-गांव जाके ज़्यादातर लोगों को हम इसका लाभ दे चुके हैं। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो दिखाई थी तब कुछ मरीज देखे थे, तो जैसा कि मरीज बताते हैं कि आपका सरल स्वभाव और आप अगर पैसा भी नहीं हो किसी गरीब के पास तो आप कर देते हैं और उसकी मदद करते हैं हमेशा, तो इस बार जैसे जो लेंस की कीमत है, फीस है, जैसे उसे दक्षिणा मान लो, फीस मान लो, तो कितना मतलब होना चाहिए जो ऑपरेशन कर देते हैं? हम लोग वैसे जो नीडी लोग हैं, जो पुअर्स लोग हैं, उनको क्लब के माध्यम से, लाइन्स क्लब, रोटरी क्लब, इनरवी क्लब और कुछ अलग संस्थाओं के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते हैं। इस बार भी करेंगे जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री में कराना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे रूटीनली कुछ अच्छे ब्रांडेड लेंसेस आते हैं जो कुछ अच्छे रहते हैं, उनकी मिनिमम फीस हमारी 7,000 है। 7,000 में हम बहुत अच्छा ब्रांडेड लेंस यूज करके ऑपरेशन करते हैं। सर हर आदमी चाहता है कि यहाँ फ्री में सेवा मिल जाए, तो उसका क्या, जैसे कोई अगर उस लायक है कि हाँ उसका ऑपरेशन होना चाहिए तब तो ठीक है, और जैसे कोई भी सोचे तो उसका मानक कुछ रखा है क्या? सर बेसिकली क्या है, मोतियाबिंद जब तक 70-80% तक नहीं आता, यानी कि व्यक्ति को अगर 20 फुट से उसको घड़ी देखने में दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थिति में ऑपरेशन कराना उचित रहता है। अगर उसको दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, चश्मे से उसका काम चल रहा है, तो जब तक मोतियाबिंद आ जाए और 60-70% हो तभी कराना उचित रहता है। नहीं सर, जैसे कि अब जैसे आपने कहा कि कोई रोटरी क्लब के द्वारा, तो अब जैसे किसको हम देखें कि ये गरीब है कि अमीर है? ये तो सर बात उसकी नहीं है, तो हम लोग भी जान देते हैं आदमी के सामने है, कैसी वेशभूषा है, कैसी नीड है। और रही बात गरीब अमीर की नहीं है, बात ये कि उसको फ़ायदा हम लोग दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, किसी के पास पैसा है वो भी चाहता है कि फ्री हो जाए, हम उसका भी फ्री करेंगे। अच्छा, नहीं है कि हम गरीब पे बस, जी जी जी, जैसे उसकी सोच है, अगर उसे फ्री में कराना है तो हम फ्री में भी करेंगे, जरूरी नहीं है उसका कुछ चार्ज लेके करेंगे। बस यही आपका सरल स्वभाव लोगों तक घर कर गया है और बहुत दूर दूर से आते हैं आपके यहाँ सर्जरी कराने के लिए, तो दीपावली पर आप क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे बचाव रखें अगर आँख बनी हो किसी की? दीपावली का त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और दिवाली पे बस ये है कि हमें बेसिकली हमारी नेत्रों को हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक रखना है, नेत्रों की हमें जो फुलझड़ी हैं, फटाके हैं, उन्हें सावधानी से चलाएं हैं, और जो थोड़ा बहुत घातक वाले ना चलाएं, कम रोशनी वाले चलाएं, रोशनी को एंजॉय करें, ज़्यादा घातक ना चलाएं, आँखों को सेव रखें। कई लोगों की कई हमेशा हर साल देखने को आता है कि कई लोगों की फटाके अचानक फूटने से नेत्र की रोशनी चली जाती है, तो हम चाहते हैं कि बड़े लोग बच्चों को अपने सुपरविजन में इसका एंजॉय कराएं, कम आवाज़ वाले फटाके एंजॉय कराएं, रोशनी वाले एंजॉय कराएं, और घातक फटाकों को तो घर में लाएं ना, बस हमारी यही सुझाव है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।